हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। और जी हाँ, जैसा आप देख रहे हैं, धमाकेदार न्यूज। एक के बदले मिल रहे हैं 5 शेयर, एक के बदले मिल रहे हैं 5 शेयर। सर आपको मिल रहे हैं? जी हाँ, मुझे मिल रहे हैं। सर इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्टॉक स्प्लिट जैसा अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टॉक स्प्लिट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। और स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर की फेस वैल्यू को कम करती है और शेयर के क्वांटिटी को बढ़ाती है। स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा है, डियर अंकुर, है ना, शेयर ऑफ जुबिलेंट फूड्स वर्क लिमिटेड। सर जुबिलेंट फूड वर्क कौन सी कंपनी है, ये भी आपको बताऊंगा। फिलहाल देखो हुआ क्या, आपको फेस वैल्यू जो शेयर है आपकी वो है 10 रुपए और अब वो 2 रुपए होने वाली है। यानी कि एक शेयर है ना जो 10 रुपए का था, अब वो 2 रुपए का होने वाला है। यानी आपको एक के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। दिस द शेयर स्प्लिट हैव बीन क्रेडिट टू योर डीमैट अकाउंट एंड बाइंग एवरेज हैज बीन एडजस्टेड फॉर योर होल्डिंग। आपकी बाइंग एवरेज है ना, होल्डिंग में आपकी एवरेज कर दिया जाएगा, जो अभी आपको बताने वाला हूं। ये सर न्यूज आई धमाकेदार, ठीक है। किसकी आई सर? जुबिलेंट फूड की। तो जुबिलेंट फूड कौन सी कंपनी है सर? आप जाते हैं पिज्जा आया नहीं, पिज्जा खाने, तो जुबिलेंट फूड देखो क्या लिखा है। जुबिलेंट फूड लिमिटेड फूड सर्विस कंपनी है जो इंडिया में क्या करती है, डेवलप करती है, ऑपरेट करती है डोमिनोज पिज्जा ब्रांड को। यानी कि डोमिनोज पिज्जा का जो टाइप है इंडिया में वो जुबिलेंट फूड से है, राइट। और यही कंपनी डेवलप करती है और ऑपरेट करती है डोमिनोज पिज्जा को इन श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल, राइट। सर स्टॉक स्प्लिट होने के बाद उसकी वैल्यू रह गई है 540 रुपया। पहले इसकी वैल्यू थी 2700 रुपए, राइट। ये उसके बारे में रखा है कि कितना प्राइस अर्निंग रेशियो है, सेक्टर का प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है, राइट, ये इसके बारे में डिटेल है। अब सर अगर बात करें तो जुबिलेंट फूड का शेयर स्प्लिट होने के बाद अप्रोक्सीमेट अब कितना चल रहा है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सर 533, यानी 533 रुपए का चल रहा है, 533 रुपए का चल रहा है। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूं स्टॉक स्प्लिट कैसे काम करता है, ध्यान से सुनेंगे, हार्डली कुछ मिनट या कुछ सेकंड ही लगने वाले हैं। स्टॉक स्प्लिट कर दिया जुबिलेंट फूड ने। सर स्टॉक स्प्लिट से पहले आपके पास कितने शेयर थे? भैया मेरे पास थे 10 शेयर्स। एक शेयर की वैल्यू थी 2700 रुपए पर शेयर, राइट। यानी टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था, टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट बिफोर स्टॉक स्प्लिट 27,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है सर। इतनी बात समझ गए, ये सर आपके साथ हुआ। आपके पास 10 शेयर थे जुबिलेंट फूड के जो 27,000 रुपए में आपने लिए थे, एक शेयर का प्राइस था 2700 रुपए पर शेयर। अब क्या हुआ, अब नाउ जैसे ये खबर आई जो मैंने आपको पढ़ा दी, जैसे ये मेल आई मेरे पास, उन्होंने बोला कि जब आपके पास सर 10 शेयर थे, जब जुबिलेंट फूड की फेस वैल्यू थी 10 रुपए, अब हम फेस वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं, है ना, राइट। यानी कि 5 शेयर से डिवाइड कर रहे हैं और अब फेस वैल्यू हो जाएगी 2 रुपए, 2 रुपए फेस वैल्यू हो गई, अब 2 रुपए फेस वैल्यू हो गई सर। यानी कि डिवाइड बाय 5, यानी 5 शेयर अब मिलेंगे एक शेयर के बदले और फेस वैल्यू 10 से हो जाएगी आपके पास 2। सर ये फेस वैल्यू का खेल हो गया। अब सर अगर फेस वैल्यू 10 से 2 कर दी गई तो मेरे जो 10 शेयर थे, है ना, अब मुझे किस रेशियो मिल रहे हैं सर, मुझे 5:1, यानी कि 1 के बदले 5 शेयर मिल रहे हैं, 1 के बदले 5 शेयर मिल रहे हैं। तो 10 शेयर थे मेरे पास, 10 शेयर अब वो इनटू 5 हो जाएंगे और अब वो मेरे पास हो जाएंगे 50 शेयर्स हो गए। 50 शेयर्स होते ही उनकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब फेस वैल्यू उनकी 2 रुपए है, राइट। और आपको पता है डिविडेंड फेस वैल्यू में बांटा जाता है, मार्केट वैल्यू में नहीं बांटा जाता। लेकिन सर अगर जुबिलेंट फूड के 10 शेयर अब वो 50 शेयर में बदल गए तो उनकी जो मार्केट की वैल्यू थी 2700 रुपए पर शेयर, अब वो भी तो मार्केट वैल्यू क्या होगी, घट गई होगी। जी हाँ दोस्तों, घट रही होगी। कैसे घट रही होगी सर? पहले 2700 रुपए का जो शेयर था, अब मुझे 5 शेयर मिल गए, यानी मुझे 10 के बदले मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 50 शेयर मिल गए, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो उनकी मार्केट वैल्यू अब बैठेगी 540 रुपए। यानी कि स्टॉक स्प्लिट होने के बाद
फेस वैल्यू सर घटकर हो गई 2 और मुझे कितने मिल गए, मुझे 1 शेयर के बदले मिल गए 5 शेयर। 1 शेयर के बदले अगर 5 शेयर मिले हैं तो 10 शेयर मेरे पास थे तो आज मेरे पास हो गए 50 शेयर। 50 शेयर होने के बाद जो 1 शेयर की वैल्यू पहले मेरे पास, 1 शेयर की वैल्यू पहले मेरे पास 2700 रुपए थी, अब 19 शेयर की वैल्यू है ना, 5 शेयर एक्स्ट्रा होते ही 10 के बदले इंटू 5 यानी 50 शेयर होते, 19 शेयर की वैल्यू अब मार्केट में घट गई कितनी हो जाएगी 540 शेयर। और यही मैं आपको दिखा रहा हूं अप्रोक्सीमेट, उतने ही शेयर वैल्यू आपकी स्क्रीन पर दिख रही है 533 रुपए। वो तो ऊपर नीचे अप एंड डाउन होने की वजह से 2-4 दिन में इतनी वैल्यू के पास शेयर आ चुका है। तो सर क्या ऐसा करने से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज आया? ना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। चेक करो सर, पहले क्या था, पहले मेरे पास 10 शेयर थे, कितने के भाव से, 2700 के भाव से, राइट, और टोटल शेयर प्राइस था मेरा 27,000। अब क्या है, अब नाउ आफ्टर स्प्लिट क्या मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज आया? सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। कैसे सर? अब मेरे पास 50 शेयर्स हो गए, किस भाव से सर, 540 के भाव से, अब भी मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या रही, 27,000। यानी कि स्टॉक के स्प्लिट होने से मुझे एज अ इन्वेस्टर, मुझे एज अ शेयर होल्डर कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। बस हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ ये फर्क हुआ कि 10 रुपए का शेयर, सॉरी 10 शेयर 50 शेयर में बदल गए। डिफरेंस देखो, जो 10 शेयर थे वो 50 कर दिए गए, जो वैल्यू पहले 2700 रुपए थी वो वैल्यू अब घटाकर 540 कर दी गई। तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था 27,000 रुपए का, आज वो इन्वेस्टमेंट कितना है, 27,000 रुपए ही है। सर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरी होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये कुछ होल्डिंग है, सब कुछ आपको रेड रेड दिख रहा होगा, मार्केट इतनी डाउन चल रही है। तो मेरा जुबिलेंट फूड, ये रहा जुबिलेंट फूड जिसे मैंने हाईलाइट किया, जुबिलेंट फूड में देखोगे तो आप 55 होल्डिंग दिखा रहा है। 5 शेयर मैंने आज और खरीद ली, स्टॉक स्प्लिट होने के बाद चांसेस होते हैं कि शेयर के दाम बढ़ेंगे, इसलिए 5 शेयर मैंने और खरीद लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 55 शेयर 532 के बाद से, मैंने पहले हायर प्राइस पे खरीदे हुए थे, तो मुझे 9,000 रुपए का लॉस आ रहा है और -23% रिटर्न दिखा रहा है, राइट सर। तो फिर हायर प्राइस पे खरीदा, बाद में ये स्प्लिट हो गया, लेकिन वैल्यू मेरी इन्वेस्टमेंट की उतनी ही रही। अब सर अगला सवाल आता है, क्यों कंपनी अगर स्प्लिट करती है जबकि हम जानते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया? पहली बात, कंपनी स्प्लिट इसलिए करती है क्योंकि कंपनी को लगता है कि उसके कंपटीटर्स की जो शेयर की प्राइस है, कंपटीटर्स का शेयर प्राइस उस कंपनी के शेयर प्राइस से बहुत कम है, कंपनी के शेयर प्राइस से बहुत कम है। तो इन्वेस्टर्स, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो नए इन्वेस्ट करना चाहते हैं जुबिलेंट फूड के अंदर, वो ये सोचते हैं जुबिलेंट फूड का शेयर बहुत ज्यादा हाई है, भैया 2700 रुपए का शेयर कौन खरीद रहा है, अगर शेयर मिल जाए 300-400-500-600 रुपए का तो उसमें खरीदा जा सकता है, तो प्राइस हाई है। इसकी वजह से कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने शेयर को, जुबिलेंट फूड ने अपने शेयर को क्या किया, स्प्लिट किया, और इससे क्या हुआ, उनका वही शेयर 500 के आसपास पहुंच गया, 540 के आसपास पहुंच गया। अब तुम्हारे जैसे इन्वेस्टर्स, मेरे जैसे इन्वेस्टर्स क्या लाएगा, अब 2700 रुपए की चीज 540 रुपए में मिल रही है, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आया कि भैया जो चीज पहले 2700 रुपए की थी अब वही चीज अब 540 रुपए की मिल रही है, तो इसका मतलब खरीद लो, इन्वेस्टमेंट कर लो, राइट। और ये वैल्यू उनके कंपटीटर के बराबर भी आती है। देखो जुबिलेंट फूड के कंपटीटर ही है, ये जुबिलेंट फूड है स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, देवयानी, जुबिलेंट फूड, पिज्जा हट है ना, देवयानी वगैरह, डोमिनोज, हमारे मैकडी वगैरह को प्रमोट करता है ना इंडिया में, गोदरेज एग्रो, इन सबके प्राइस देखेंगे, अगर इन सबके प्राइस देखेंगे तो 2700-2800 के पास सिर्फ एक ही कंपनी है जो 10,000 है या 3,000 है, ब्रिटेनिया। बाकी सारी कंपनी के अगर आप ये प्राइस ध्यान से देखेंगे तो कोई भी कंपनी 1,000 रुपए से ऊपर नहीं बैठती, यहां से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो। तो जुबिलेंट फूड ने सोचा हमारी कंपनी का शेयर 3,000-2700-2800 इसके आसपास चल रहा है, तो अगर हम उसको स्प्लिट कर देंगे तो हम अपनी कंपनी के शेयर्स को कहां ले आएंगे सर, हम अपनी कंपनी के शेयर्स को बाकी कंपटीटर के प्राइस के बराबर लगभग ले आएंगे, और जब वो कंपेयर करेंगे तो
तो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहेंगे बजाय दूसरी कंपनी के लिए। अगली बात सर, जुबिलेंट फूड स्प्लिट करके ये समझा के बाद एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा कि आपको शेयर सस्ता हो गया, इन्वेस्टमेंट पर फर्क नहीं पड़ा लेकिन शेयर सस्ता हो गया मार्केट में नए इन्वेस्टर्स के लिए। जब जुबिलेंट फूड पहले लॉन्च हुआ होगा या किसी जमाने में जुबिलेंट फूड 540 रुपए पहुंचा होगा, दूसरी बात अब वो एकदम भागा हुआ, भागते 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 वो जुबिलेंट फूड कहां तक पहुंचा, मान लो 3000 रुपए तक पहुंचा, राइट। अब इसी साइकोलॉजी को पहले आज से कुछ साल पहले जब 500 रुपए का रहा, 530 का रहा होगा, तब ये ऐसे भाग के 3000 रुपए तक पहुंचा होगा। अगर मैं आज की बात करूं अब की, तो कंपनी ने इसी साइकोलॉजी को रिपीट करने के लिए स्टॉक को स्प्लिट किया कि जब अब ये शेयर फिर से 540 के भाव पर पहुंचेगा तो जिस स्पीड से पहले बढ़ा था उसी स्पीड से बढ़ते 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 अब फिर से ये एक दिन क्या कुछ सालों में 3000 रुपए की ऊंचाई को छू जाएगा। तो जो पहले था, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, जो पहले था पहले इसी हिस्ट्री को रिपीट करने के लिए अब कंपनी ने आज से कुछ साल पहले जब 540 का शेयर रहा होगा अब फिर से ये 540 पे ले आए, और जब पहले 540 का शेयर 3000 तक पहुंचा था आज स्प्लिट होने से पहले, अब दोबारा उसी वैल्यू पर अगर शेयर मिलेगा लोगों को तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे कि भाई इसका प्राइस तो बहुत पहले इतना हुआ करता था, इन्वेस्टमेंट करो और बहुत जल्दी ये 3000 रुपए पहुंच जाए कुछ ही सालों में। इससे इससे अब क्या फायदा होगा, मुझे फिलहाल कोई फायदा नहीं क्योंकि मेरे इन्वेस्टमेंट 27000 का 27000 ही रहा, लेकिन फायदा क्या होगा, अब इन्वेस्टमेंट जब इस फूड जुबिलेंट फूड के शेयर में बढ़ेगी तो यही 540 का शेयर इंटू 50 शेयर है ना, यही जब ये वैल्यू 1000 पहुंचेगी तो मेरे शेयर की वैल्यू हो जाएगी फ्यूचर में जब ये शेयर 1000 हो जाएगा कुछ महीनों के बाद, तो अब जब मैं बोलूंगा कि मेरे 50 शेयर इंटू 1000 रुपए की वैल्यू, अब वो शेयर मेरे कितने हो गए 50000 रुपए की वैल्यू के हो गए। मेरी बाइंग कितने की है, मेरी बाइंग अभी करंट कितने की है 50 शेयर इंटू 540 यानी 27000 की, और 27000 की बाइंग फ्यूचर में कितनी हो जाएगी 50000। तो मुझे ये उम्मीद है कि अब ये 27000 का शेयर बहुत जल्द इसी स्पीड से जैसे पहले बढ़ा था अब फिर से इसी स्पीड से बढ़ेगा, फिर से इसी स्पीड से बढ़ेगा तो 50000 पे पहुंचेगा, तो मेरे को 27000 रुपए की जगह 50000 रुपए की मेरी मार्केट वैल्यू हो जाएगी और मुझे मुनाफा आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। इसी सोच से मैंने अभी आज ही 5 न्यू जुबिलेंट फूड के शेयर और खरीद लिए, तो इसलिए आपको मेरी टोटल होल्डिंग 50 शेयर की जगह 55 दिखा रहा है कि स्टॉक स्प्लिट हुआ है तो लोग इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो ये शेयर के दाम और तेजी से बढ़ेंगे। तो मेरे दोस्तों स्टॉक स्प्लिट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ चुका है, क्यों स्टॉक स्प्लिट कंपनी करती है जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या रहती है, जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम है तब भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है इस उम्मीद में कि पहले जो रैली चली थी 540 से 3000 अब ये रैली फिर से रिपीट होगी अगर हम स्टॉक स्प्लिट कर देते हैं। इससे हुआ क्या, पांच एक शेयर के बदले 5 शेयर आपको मिले और फेस वैल्यू घटाकर कितनी कर दी गई, 2 रुपए कर दी गई। कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा समझ आ चुका, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझ आ चुका है। करना क्या है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ज्ञान बांटना है। मैं मिलूंगा अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।